लेने जरूर नहीं चाहिए थे, बट सर्कल देखिए आपका फेवर करता हुआ और अल्ट्रॉन का यहाँ पे जो अग्रेसिव पोजीशनिंग यहाँ पे काम में आता हुआ, नियो हो चुके नॉक, इंस्टेंटली फॉलो अप ग्रेनेड भी जाएगा अल्ट्रॉन के द्वारा और देखते हैं यहाँ पे जॉनाथन के ऊपर एक ग्रेनेड इन्होंने लॉब करा है, क्या उनके तरफ कनेक्ट करता है, नहीं नियो जरूर बच के जा रहे बट क्लच गॉड को उनको बचाना पड़ेगा, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा भार आ जाता है। लोकी और पिम है पीछे से यहाँ पे गेम जरूर बिगाड़ सकते हैं बट जी गॉड का यहाँ पे स्प्रे जरूर गया था, गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स को जरूर गोलियां कनेक्ट हुई थी बट ज्यादा नहीं हो पाए, नॉक नहीं हो पाया अभी प्लेयर्स के जी गॉड लेफ्ट इन साइड से फ्लैंक लेने की कोशिश करेंगे। नियो यहाँ पे रिवाइव हो चुके, फर्स्ट एड जरूर लगाना पड़ेगा, बॉक्स के प्लेयर्स का पोजीशन काफी क्रिटिकल है, यहाँ पे चाहे तो गैलेक्सी रेसर्स के ऊपर भी यहाँ पे पुश इन कर सकते हैं और लोकी यहाँ पे स्मोक पाथिंग अपने लिए बना रहे, देखते हैं यहाँ पे किस क्षण में सर्कल के अंदर घुसेगी। एचएस पे अभी भी मौजूद है बट अल्ट्रॉन को उन्होंने स्पॉट कर रखा है, क्रॉस एयर में उनको ऑलरेडी नाप चुके हैं, यहाँ पे गाड़ी के पीछे यहाँ पे अगर स्प्रे जाता है तो नॉक हो जाएगा बट अल्ट्रॉन का यहाँ पे बहुत ही शानदार स्पॉटिंग होते हुए लोकी को इनफैक्ट नॉक करके ओके जॉनाथन ने इनफैक्ट किल चुरा दिया। एग्जैक्टली फिक्सेस वहां पे जॉनाथन ने वाला किल स्टील करा है बट अब देखते हैं अल्ट्रॉन का जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है किस तरीके से वो यूज करे, बिकॉज फाइनल सर्कल में यू हैव टू डू समथिंग स्पेशल टू बी ऑन द टॉप, वो डर के आगे जीत है मोमेंट क्या ये बन सकता है, बिकॉज फाइनल सर्कल भी कुछ ऐसे ही बना हुआ है पिमे के लिए, तो खासकर बिकॉज बॉक्स गेमिंग का पूरा स्क्वाड कभी कभी पिमे के ऊपर रिलाय करता है, एक बार वापस से वही सेम सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। सातवां सर्कल है, 27 मिनट ऑलमोस्ट होने वाले हम लोगों को, नियो अभी भी एक एडीएस गोल के कंफर्मेशन करने की कोशिश कर, बिकॉज वहां पे एक जो प्लेयर था वो नॉक हुआ था, पिमे स्पॉट नहीं हुए, अब वापस से टॉप टू में आने की कोशिश उनकी भी रहेगी बिकॉज अभी तो वो जोन के अंदर है बट आठवां जोन देखते हैं किस टीम के ऊपर बनता हुआ नजर आएगा हम लोगों को। 45 सेकंड और बचे हुए हैं, देखते किस तरीके से प्लेयर्स अपने आप को शेप अप करेंगे। क्लच गॉड जो है राइट हैंड साइड पे जाके आराम से बैठ गए। अभी मैं कहना चाहूंगा कि टीएसएम के पास जो मैप कंट्रोल है वो बहुत ही शानदार है, आप देख सकते हैं उनके प्लेयर्स अच्छे खासे स्प्रेड पे है, यहाँ पे उनके क्लच गॉड ने अच्छा एंगल ले रखा है बट पे मैं यहाँ पे ऑलरेडी स्पॉट आउट कर चुके गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स, ऑलरेडी सबको पता है कि वो उस कंपाउंड के अंदर है, ग्रेनेड्स भी उनके तरफ जा रहे हैं, मोलोटॉव्स भी उनके तरफ जा रहे हैं बट अल्ट्रॉन की एग्रेसिव पोजिशनिंग यहाँ पे और एक नॉक जरूर उनको निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स क्या किस प्रकार सर्कल के अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ पे रॉक्स राइट हैंड साइड से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, एमजे भी उनके पीछे पीछे आ रहे हैं बट पे में शॉट्स यहाँ पे नहीं निकाल रहे, बहुत अच्छा ट्रिगर डिसिप्लिन उनके तरफ से देखने को मिलता हुआ और फाइट यहाँ पे बहुत जल्दी छिड़ने वाला है। बिल्कुल अभी चारों टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स इकट्ठे नहीं है, दैट मींस कि आपका कोई ग्रेनेड आएगा तो दिक्कत नहीं देगा बट सामने से वो जो कुछ ग्रेनेड अगर ये थोड़ा सा आगे एक्सटेंड होता ग्रेनेड तो दिक्कत आ सकती थी बट 4 vs 3 के सिचुएशन में बोलूंगा बिकॉज क्लच गॉड एक सरप्राइज एलिमेंट रहेगा सामने से बट एक ग्रेनेड आएगा सिर्फ एमजे का और वो दो प्लेयर नॉक डाउन करके जाएगा जॉनाथन और जी गॉड, इसी चीज की मैं बात कर रहा था, नियो लकीली वहां पे नॉकडाउन है बट क्लच गॉड की पोजीशनिंग आई जहां पे आतंकी को नॉकडाउन करके वाली पोजीशनिंग सिर्फ क्लच गॉड को ट्रेड करके जाता हूं बट नियो देखते हैं किस तरह वाली फाइट निकालता बट आखिरी में सेल्स के एमजे ही इज द हीरो ऑफ दिस फाइट बिकॉज अब देखते हैं किस तरह वाली फाइट करें, क्या निकाल सकते हैं बॉक्स को गॉड बट नहीं सेल्स आ चुके हैं, जक्सी आ चुके हैं, राइजन जा रहे हैं, पीछे से लक्सी भी यहां से मूवमेंट अपनी देना शुरू कर चुके हैं, योनजुन इज द वन जो इन सब के बीच में सफर कर जाएंगे, सेल्स के प्लेयर्स भी निकल चुके हैं, ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स के सामने बीटीआर के प्लेयर्स अपनी गाड़ी रोक दी है, ये मुश्किल हो सकता है यहां पर एंड वही सेम चीज थ्रोएबल्स का यूज यहां पर करते हुए देख रहे हैं, जॉनाथन वहां पर आई शॉट्स को लेकर जा चुके हैं बट बीटीआर अब वो थ्रोएबल्स यूज करेंगे इस एरिया के अंदर, माइक्रोबॉय सामने के एरिया पर है फ्रे देने की कोशिश बट माइक्रोबॉय डाउन हो जाएगा स्काउट के द्वारा और स्काउट अब आगे फाइट लेना चाहेंगे, लक्सी को जोन डैमेज दे रहा है, लक्सी को मूवमेंट करनी पड़ेगी, स्काउट को भी हल्का सा जोन का यहां पर डैमेज है बट मावी नहीं जाने देना चाहते प्लेयर्स को, मावी राइजन को लेकर जाते हुए बीटीआर के दो प्लेयर्स यहां पर डाउन हो चुके इस पूरी फाइट के अंदर, एक और प्लेयर ऑलमोस्ट लेकर जा सकते थे मावी बट अभी के लिए बीटीआर के जक्सी ही है जो आगे जा रहे हैं, माइक्रोवेव फिनिश ऑफ हो चुके हैं, पीछे से यूडू के प्लेयर्स आ चुके इस फाइट के बीच में, बीटीआर के लिए मुश्किल है और इन सब के बीच में नोवा गॉड लाइक वर्सेस आईएनडी हुआ और उस सब में आईएनडी का भी यहां पर सफाया देखने को मिला है जी, और लक्सी यहां पे बचे और ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स यहां पे पुश इन कर चुके, लक्सी देखना पड़ेगा क्या कमाल दिखा सकते हैं, लक्सी यहां पे अच्छा खासा फायर देते हुए बट ऑरेंज रॉक के दो धुरंधर उनके तरफ पुश कर बैठे और एंटो को मिलता हुआ बीटीआर लक्सी का नॉक, राइजन को भी फिनिश कर देगा एंटो बट सामने यूडू गैंग के प्लेयर्स है, पीछे से भी शॉट पड़ रहे गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स भी यहां पे इस चीज का फायदा जरूर उठाना चाहेंगे, सर्कल के अंदर अभी प्रवेश करना है ऑरेंज रॉक की टीम को, देखना पड़ेगा किस प्रकार अलग एरिया पर अपनी टीम से अलग है, सो टीम सीक्रेट के यूआई और रेक्स जब ऊपर की तरफ को जाएंगे तो आरआरक्यू जरूर उनसे फाइट लेगी, डीटू को आप देखिए आगे जा जरूर रहे थे, मैटर ने शॉट्स लिए स्प्रेस दिए, अर्नी नीचे रेक्स को स्पॉट करना चाहते हैं बट डीटू को हील करना पड़ेगा यहां पर बैठ करके, अर्नी आगे नहीं जा सकते, कोई भी टीम ओवर कमिट नहीं करना चाहिए इस एरिया में बट मैटॉय स्पॉटेड है G9 के द्वारा, डीटू यूआई को लेकर जाते हुए बट डीटू को भी यहां पर डाउन किया जाएगा मैटॉय के द्वारा, सामने आमने की फाइट रहेगी, अर्नी डाउन हो चुके आरआरक्यू से, गेम छिनता हुआ अभी के लिए G9 अकेले
अकेले बचे हैं, अकेले रहते उनको फाइट निकालनी पड़ेगी। रेक्स को स्पॉट किया जरूर था बट डैमेज देते देते थोड़ी सी मुश्किल यहां पर हो गई। अब यूआई डाउन है यहां पर, रेक्स वर्सेस G9 इस पूरी फाइट के अंदर बहुत मुश्किल है, दोनों टीम से बन सकती है। रेक्स को फर्स्ट हिट लगानी है, G9 को टाइम मिल चुका है, सामने आ जरूर रहे बट धीरे धीरे प्लेयर्स को डाउन करते हुए रेक्स इज स्टिल आउट देयर। 5 फर्स्ट हिट्स, 3 फर्स्ट हिट्स, द गेम फाइट इज विद द गन्स राइट नाउ। रेक्स स्पॉटेड है, रेक्स कुछ नहीं कर सकते यहां पर, G9 को उनको निकालना ही पड़ेगा बट G9 के लिए ये फाइट 14 और 20 पॉइंट्स की है। बट RRQ is the god of this game, come what may.